जय श्री कृष्ण। आज हम वृंदावन में साधना कुंज स्थान पर रुके हुए हैं और बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण जी के, राधा जी के अनन्य भक्त वृंदावन नगरी में आना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ दिव्य लीलाएं की हैं उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इस नगरी में रुकने के लिए एक अच्छा स्थान भी चयन करना चाहते हैं जहाँ पे वह रुक सकें, जहाँ पे वे रात्रि विश्राम कर सकें, जहाँ पर वे अपना जो समय व्यतीत करने के लिए कुछ और भी समय यहाँ रुक सकें। तो हमारे साथ साधना कुंज के ही जो मालिक हैं हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम बताएंगे हमारे दर्शकों। मेरा नाम मधुपाल दास है जी, और मैं यही साधना कुंज की सेवा कर रहा हूँ आज 20 वर्षों से। जी जी जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ साधना कुंज में कितने कमरे हैं और रुकने की कैसी कैसी व्यवस्था। साधना कुंज में ट्रिपल बेडरूम के 20 कमरे हैं जी, और ये सुबह 4 बजे खुल जाता है, रात के 10 बजे बंद होता है। बिजली पानी की बढ़िया व्यवस्था है, एसी कमरे नहीं हैं जी जी, और सात्विक लोग यहाँ रह सकते हैं, ज़्यादा शोर शराबा यहाँ अलाउड नहीं है। जी जी, और कमरे का चार्ज भी हमारे दर्शकों को बताने। कमरे का चार्ज 500 रुपया एक आदमी, 600 रुपया दो आदमी, 700 3 आदमी, इस तरह से चार्ज होते हैं। 100 रुपये कूलर के अलग से लगते हैं जी, और एसी कमरे नहीं। जी जी, जैसा कि दर्शकों आप सभी को भैया ने बताया कि साधना कुंज में कितने कमरे हैं और एक आदमी का, दो आदमी का, और किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। बहुत सारे लोग इस देवभूमि पे जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं अवतार लिया, जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक उन्होंने यहाँ पे राजपाट भी किया, उन्होंने लीलाएं दिखाई, इस दिव्य स्थान पर आकर हम सब चाहते कि हमें रुकने के लिए कैसा घर जैसा वातावरण प्राप्त हो, संस्कारी वातावरण प्राप्त हो, आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त हो, और हमें एक अपना सापन लगे जहाँ हम रुके हो। तो बिल्कुल ही इस साधना कुंज में हम भी रुके, लगभग 4 दिन हम रुके, और हमारा जो अनुभव रहा है, जिस तरह से हम हमारे गांव में रुकते हैं, हमारे शहर में रुकते हैं, जो हमें घर जैसा वातावरण प्राप्त होता है, यही वातावरण हमें प्राप्त हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आप वृंदावन आ रहे हो, आना चाहते हो, रुकना चाहते हो यहाँ पे, और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्थानों के दर्शन करना चाहते हो, तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप साधना कुंज में अवश्य आए। और भैया से मैं अंत में ये भी कहूँगा कि आप अपना संपर्क सूत्र दें। यह स्थान इस्कान मंदिर वृंदावन के जस्ट पीछे एमईटी गेस्ट हाउस के बगल में है। हमारा फ़ोन नंबर है 8979264885। इस पर आप व्हाट्सएप करके भी रूम की जानकारी ले सकते हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर निवास करें और वृंदावन निवास का लाभ लें। यह स्थान काफ़ी स्वात्विक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की शोर शराबा इत्यादि नहीं होती है। सभी देशी विदेशी भक्त यहाँ रहते हैं और कृष्ण भजन करते हैं। 4 बजे सवेरे से लोग इस्कान मंगला आरती चले जाते हैं और इसके बाद वहाँ पर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर शाम के फिर लोग जाते हैं वहाँ नाश्ता वगैरह करके, फिर 9 बजे रात्रि जब इस्कान मंदिर बंद हो जाता है वापस आ जाते हैं। इस तरह इसकी दिनचर्या रहती है। और श्रद्धालु अन्य जगहों पर भी, जैसे हमारे खड़ गोस्वामियों के मंदिर हैं, श्री बांकी बिहारी जी, श्याम सुंदर जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, गोपीनाथ जी, इस तरह से जो मंदिर हैं उनका दर्शन करते, जमुना मैया का भी स्नान करते हैं। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है साधना कुंज। और ये साधना कुंज का ये मार्ग और वो साइड में आपको ये आपको दिख रहा है साधना कुंज, साइकिल जहाँ खड़ी है वही यहाँ साधना कुंज है। पुनः आप सभी को साधना कुंज पे संपर्क करने के लिए आप सभी इस बोर्ड की ओर देखें, यह साधना कुंज का कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे संपर्क करके यहाँ अपना कमरा बुक करवा सकते हैं, रुक सकते हैं।